दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल गुम्मे किसी के प्यार में चल रहा है हाई वोल्टेज सामा, जहाँ पर अब सई को होश आते ही उड़ जाने वाले हैं सभी के होश। जी हाँ दोस्तों, सब लोग तो खुश हो जाएंगे कि फाइनली सई को होश आ गया है, लेकिन जैसे ही घर वाले उससे मिलने जाएंगे वहाँ पर वो कोई भी जवाब नहीं दे रही होगी। उसे तो सब अनजान जैसा ही लग रहा होगा और पुलकित और डॉक्टर को बुलाया जाएगा, जहाँ पर चेकअप के बाद से बातचीत के बाद पता चलेगा कि सई ने अपने होश आवाज खो दी है, यानी कि अब वो बोल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर भाई उसकी मेजर सर्जरी हुई है और इसी के वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और ये पता ही था कि कुछ ना कुछ डैमेज जरूर हो सकता है इसमें, और उसके 50-50 चांसेस थे कि वो जल्दी पूरी ही ठीक हो जाएगी। और यही डर अब सामने आता है और पुलकित घर वालों को बताता है कि सई को अब एक अजीब सी बीमारी हो गई है, कि उसे पता नहीं कौन सा सदमा लगा है और उसके सर पर चोट आने की वजह से और सर्जरी के बाद में अब उसकी आवाज़ चली गई है। और ये सुनकर विराट को और घर वालों को तगड़ा झटका लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब सई कहीं कुछ बातचीत नहीं कर रही है और विराट जो कि उससे दूर जाने का फैसला कर रहा था, अब वो उसकी ये हालत देखकर उसका हाथ भी थामेगा और हमेशा के लिए उसके साथ रहने का वादा करेगा। भाई सई को वो बिल्कुल भी अब अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो कुछ भी बोल नहीं रही है, कुछ भी उसकी जो है सिचुएशन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रखी है। सिर्फ जान बच गई है लेकिन जुबान चली गई है। और यही पुलकित घर वालों को बताना है कि अब हमें शायद काउंसलिंग के जरिए ही इसको सही ठीक कर सकते हैं, और एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर है जो कि सई की इस हालत में मदद कर सकता है हमें इम्प्रूव करने में। तो यहाँ पर सम्राट कहता है कि तुम्हें जिस भी डॉक्टर को बुलाना है तो बुलाओ, जितना भी पैसा खर्च हो रहा है वो करो, लेकिन सई को बिल्कुल ठीक कर दो। सई के लिए विराट का और सम्राट दोनों को ही कंसर्न देखकर पतलेखा को बहुत जलन होने वाली है, लेकिन इस बार उसी को डांट भी पड़ जाएगी। तो वही होने वाली है शो में नए डॉक्टर की एंट्री, जो कि विराट और सई को नजदीक लाने में काफी भूमिका निभाने वाली है।